बड़ी तेरे प्यार की तकदीर जब से तुझसे जुड़ी। 20 साल की तुनिशा शर्मा बेहद खूबसूरत खुश मिजाज टीवी एक्ट्रेस थी। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने देखने वाली थी। अपने जीवन में एक्टिंग की उस बुलंदी को छूना चाहती थी जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपनी जान ही दे दी और अपने पीछे अपनी मम्मी को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चली गई। क्या वो सीजान खान के साथ ब्रेकअप बर्दाश्त ना कर पाई? क्योंकि आप ये वीडियो देखिए। तुनिशा शर्मा ने अपने हाथ में इस वीडियो में टैटू करवाया है लव अबव एवरीथिंग, यानी प्यार सब चीजों से ऊपर है। मतलब तुनिशा के लिए प्यार बहुत ज्यादा मायने रखता था। क्या यही थी असली वजह या थी वो प्रेग्नेंट? जब से तुनिशा शर्मा की मौत सबके सामने आई है, इस वाक्या ने सबको चौंका कर तो रख ही दिया है और साथ ही साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है। तो रुक जाइए, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च कर ये वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए और तुनिशा की मौत आपको परेशान ना करे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर तुनिशा शर्मा थी कौन। तुनिशा का जन्म 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड और पैशनेट थी। यही कारण था कि इन्होंने 12 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। सोनी टीवी के सीरियल महाराणा प्रताप के साथ चंद कवर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। इसके बाद ये अशोका सम्राट, इंटरनेट वाला लव, हीरो गायब मोड ऑन जैसे बैक टू बैक 8 टीवी सीरियल किए और अभी हाल में ही ये अली बाबा दास्तान एक काबुल में शहजादी मरियम का किरदार निभा रही थी जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन इनका दायरा टीवी सीरियल तक नहीं रुका, इन्होंने फितूर, बार बार देखो, दबंग 3 जैसी बॉलीवुड मूवी भी की है और कई म्यूजिक वीडियो एल्बम भी किया हुआ है। सोशल मीडिया पे भी ये काफी ज्यादा एक्टिव थी। इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे और वहां पर ये अक्सर फोटोज और वीडियोस डाला करती थी। इनका इंस्टाग्राम जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये बहुत ही ज्यादा जीवन को जीने वाली और अपने पैशनेट को फॉलो करने वाली लगेंगी। इन्होंने उसी दिन 24 दिसंबर 2022 को इन्होंने एक फोटो डाली और उस पर कैप्शन लिखा, दोज हु आर ड्रिवन बाई देयर पैशन डजंट स्टॉप। इसका मतलब होता है जो अपने जुनून से प्रेरित होते हैं वो कभी नहीं रुकते हैं। ये कैप्शन इन्होंने कितना मोटिवेट करने वाला लगाया है। लेकिन आखिर कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया जो इतनी हताश हो गई और इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया? उसको जानने से पहले आइए थोड़ा इनकी लव स्टोरी जानते हैं। 22 अगस्त 2022 को सब टीवी पर सीरियल अली बाबा की शुरुआत हुई। इससे पहले मॉक टेस्ट हुआ और मॉक टेस्ट में इनकी मुलाकात हुई सीजान खान से। और ये लोग बताते हैं कि जब हम लोगों की पहली मुलाकात हुई तो हम लोग एक दूसरे को देखते रह गए, मानो कि हम लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और देखते ही एक दूसरे पर दिल हार बैठे। और साथ में ये भी लगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट जोड़ी है, हम लोगों की वाइब कितनी ज़्यादा मैच कर रही है। हम लोग बहुत ही जल्दी पहले ही मीटिंग में दोस्त बन गए और सीरियल के शूट के दौरान ये दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल गई। आप इस बात को इनकी एक पोस्ट से समझ सकते हैं जब तुनिशा ने अपने इंस्टाग्राम पर इनके बर्थडे वाले दिन ये पोस्ट किया और लिखा, हैप्पी बर्थडे लव। इस फोटो में देखिए ये दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। मैं तुनिशा शर्मा का आपको एक और पोस्ट दिखाती हूँ जो 1 महीने पहले किया गया था, 19 नवंबर 2022 को। आप इस फोटो को और पोस्ट को गौर से सुनिएगा। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे To the man who lifts me up just like this, the most hardworking, passionate, widely enthusiastic, and the most beautiful man in my life. You don't know what you are, and the most beautiful part. इन्होंने इस फोटो को और इस कैप्शन को सीजान को टैग भी किया था। इन फोटोज और कैप्शन को देखकर आपको लग रहा होगा कि तुनिशा के लिए सीजान कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन सवाल अब ये उठता है, क्या सीजान के लिए भी तुनिशा उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? इस हादसे के बाद ये तो नहीं लगता है, क्योंकि इनका भी हाल में ही 15 दिन पहले ब्रेकअप हो गया था जिसके बाद
तो निशा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी। उन्होंने सीजान को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन अभी तक इनका मामला शॉर्ट आउट नहीं हुआ था। लोगों का तो ये भी कहना है कि तुनिशा प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से वो सीजान को शादी करने के लिए कन्विंस कर रही थी, लेकिन सीजान रेडी नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल गलत है। तुनिशा प्रेग्नेंट नहीं थी, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया है कि तुनिशा प्रेग्नेंट नहीं थी। तो इन्हें बदनाम ना किया जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि तुनिशा सीजान को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें किसी भी कीमत पर वो छोड़ना नहीं चाहती थी। शायद यही वजह थी कि वो 15 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा दुखी और डिप्रेस थी, और उन्होंने 24 दिसंबर 2022 को सीजान के मेकअप रूम में अपनी जान दे दी। अब इन्होंने अपनी जान खुद से दी है या मामला कुछ और है, इसको सीजान बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सीजान को पुलिस ने 4 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अब तुनिशा को न्याय मिलता है कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं तुनिशा से यही कहना चाहूँगी, अगर उन्होंने सच में ऐसा किया है तो उन्होंने बहुत गलत किया है। उन्होंने अपने पीछे अपनी मम्मी को और अपने परिवार को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चली गई, मात्र 6 महीने के प्यार के लिए, और साथ ही साथ अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। उनकी मम्मी ने तो उनको सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए मुंबई भेजा था, उन्होंने ये क्या कर दिया। मैं तो बस आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आप अगर वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई समस्या है, उस समस्या को आप किसी को बता दीजिए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उसको लिख दीजिए, लेकिन आप इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। आपकी ज़िंदगी अकेले की आपकी ज़िंदगी नहीं है, क्या पता आपकी ज़िंदगी से बहुत लोगों की ख्वाहिशें जुड़ी हों, और आपका लिया हुआ ये फैसला बहुत लोगों की ज़िंदगियों को तोड़ सकता है।